मां हूं, धरती मां। छल, कपट, मिथ्या एवं प्रतिशोध पर विश्वास करने वालों की यदि कोई चाल सफल हो जाती है तो वे इस भ्रम में पड़ जाते हैं कि उनकी जीत हो गई, परंतु उन्हें यह ज्ञात नहीं होता कि भाग्य ने उन्हें यह सफलता केवल इसलिए दिलाई है कि यही सफलता उन्हें उनके सर्वनाश की ओर ले जाएगी। लक्ष्मण रेखा को पार करने के प्रयास में असफल रहने के बाद रावण ने ऋषि का वेश धारण किया, क्योंकि वो जानता था कि रघुवंशी के पास से कोई सवाली खाली हाथ नहीं लौटता। देवी सीता इस चाल में फंस गई और रावण उन्हें हरने में सफल हो गया। मैं जानती हूं कि श्री राम और लक्ष्मण इस घटना पर अवाक रह जाएंगे, पर मैं ये भी जानती हूं कि ये भाग्य ही है जो रावण को श्री राम से टकराने को उकसा रहा है। महाराज लंकेश की जय! 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 सीते, ये लंका की प्रसिद्ध अशोक वाटिका है। अब तुम असुरों के सम्राट लंकापति रावण के भवन में हो। भूल जाओ अयोध्या को, भूल जाओ उस तुच्छ साधारण मानव को जिसका नाम राम है, और लंकेश को अपने हृदय में स्थान दे दो। अधम, दुष्ट, पापी, दुष्ट, तू तो मेरी दृष्टि से उतर चुका है, मुझे अपने हृदय में बसाने की बात करता है। तू तो क्या, तेरा समस्त साम्राज्य, तेरी शक्ति, तेरी प्रवृत्ता सब मिलकर भी आर्य पुत्र के पक्के नक की बराबरी नहीं कर सकते हैं। मैं मानता हूं सीते कि मैंने तुम्हारे साथ किसी विशेष कारण से छल किया, मानता हूं मैं, परंतु मैं तुम्हारे पर कोई अनुचित दबाव नहीं डालूंगा। तुम रावण की बंदी हो, भुआ त्रिजटा। लंकेश की जय हो। बहुत रिजटा, अब रावण का माणिक्य भवन इनका बंदी गृह बनेगा, ले जाओ इन्हें। लंकेश, यद्यपि एक असुर से निवेदन करना व्यर्थ है, फिर भी मेरे पति ने संकल्प लिया है कि 14 वर्ष तक वे किसी भवन में पग नहीं धरेंगे। उनके अर्धांगिनी होने के नाते मेरा भी यही धर्म है, मैं किसी भवन में नहीं जाऊंगी। अर्धांगनी? आपके पति का आधा अंग तो सदैव आधा रहेगा देवी, परंतु इस आधे अंग से रावण अपनी अपूर्णता पूर्ण करेगा। मेरे निर्णय के विरुद्ध यदि तुमने कोई भी निर्णय लिया तो मेरी मृत्यु का दोष तुम पर आएगा। मुझे आपका निर्णय स्वीकार है, मुझे तो बस उस दिन की प्रतीक्षा है जब तुम्हारा वो राम मेरे समक्ष आकर निवेदन करेगा, मेरे पैरों पर गिरकर गिड़गिड़ाएगा, तुम्हारे लिए भीख मांगेगा मुझसे, परंतु मैं उसे भीख नहीं दूंगा, मैं उसे दूंगा मृत्यु। मुझे तो केवल अपनी बहन शूर्पणखा को दिए हुए वचन को पूर्ण करना है, इसके लिए आपका जीवित रहना आवश्यक है। हो त्रिजटा, सीता को अशोक वाटिका में ही रखा जाए। जो आज्ञा लंकेश। और ध्यान रहे, मेरी अनुमति के बिना सीता से कोई नहीं मिल सकता, यह मेरा आदेश है। चलिए। Thank you.
मानव कन्या, तुम्हें किसी वस्तु की आवश्यकता हो तो मांग लो। आवश्यकता तो है, यदि आप मुझे सम्मान सहित मृत्यु दे सकती है तो दे दीजिए माता। बाहरी मानवी, मृत्यु भी सम्मान के साथ। बंद करो हंसना और जाओ अपने अपने स्थानों पर पहरा दो। मानवी, तूने मुझे माता कहा है, मैं तुम्हें मृत्यु तो नहीं दे सकती किंतु तुम्हारे आत्मसम्मान का ध्यान रखूंगी। पुत्र राधा लक्ष्मण, राजकुमारी जी, राजकुमारी जी, किसकी आज्ञा से तू मेरे कक्ष में आई? बिना आज्ञा यदि मेरे कमरे में आई तो मैं तेरा वध कर दूंगी। राजकुमारी जी, आप पुरस्कार दीजिए, आपके लिए बहुत बड़ा शुभ समाचार है। लंकापति वापस लौट आए हैं और साथ में एक मानव कन्या सीता को पंचवटी से उठा लाए हैं। क्या तूने सचमुच पुरस्कार पाने का कार्य किया है? उसका मैं नैनी की दो आंखें लाकर मैं तुझे दो रत्न में भेंट कर दूंगी। मैं अभी आई। चर्पणखा, मैं तुम्हारे प्रतिशोध का साधन उठा लाया हूँ, कहाँ हो तुम? लंकेश की जय हो। चर्पणखा कहाँ है? राजकुमारी जी, अशोक वाटिका गई हैं। अशोक वाटिका? इसका अर्थ यह हुआ कि उसे सीता की आने की सूचना मिल गई। हे सूर्यदेव, आप लंकेश की बंदनी जानकी की दशा देख रहे हैं ना? आपकी दृष्टि तो आर्यपुत्र और प्रातः लक्ष्मण पर भी होगी। कृपया करके उन्हें इस दीन की दशा का वर्णन कर दीजिए। भ्राता रावण तुझे यहाँ ले आए हैं। इस प्रकार मेरे अपमान का आधा प्रतिशोध उन्होंने ले लिया है और बचा आधा प्रतिशोध उसे मैं पूरा कर देती हूँ। राजकुमारी शूर्पणखा, सावधान! एक पग भी आगे बढ़ाया तो बहुत पछताओगी। वो अत्रिजटा काल भी शूर्पणखा के बड़े हुए पग को वापस नहीं लौटा सकता। छोड़ो मुझे, छोड़ो! ये त्रिजटा की पकड़ है, काल से भी अधिक शक्तिशाली। एक गंदी बुढ़िया, छोड़ दे मुझे! इसी के कारण मेरी दशा हुई है, मैं इसका वध करके ही रहूंगी। ये लंकेश का आदेश है, ये अब मेरी सुरक्षा में है। राधाश्री, आप इसे यहाँ ले आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं जी भर के अपने अपमान का प्रतिशोध लूंगी। इसके देवर ने मेरी नाक काटी है, आज मैं भी इसका वध करके अपने मन की ज्वाला को शांत करूंगी। नहीं, इसकी आज्ञा तुम्हें नहीं है। तुम्हारे अपमान का कारण ये स्त्री नहीं, तुम्हारे अपमान का कारण है वो तुच्छ मानव राम, उसका अनुज लक्ष्मण। स्त्री के लिए वो राम यहां अवश्य आएगा और जिस दिन वो यहां आया ना बहन, मैं तुम्हारे अपमान का प्रतिशोध उससे ले लूंगा, क्योंकि मैं रावण हूं। परंतु जब तक राम यहां नहीं आता, ये स्त्री रावण की सुरक्षा में रहेगी। नहीं भ्राता, नहीं भ्राता, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। यदि तुमने स्त्री को हानि भी पहुंचाई तो रावण के क्रोध को तुम जानती हो, भली भांति जानती हो।
हुआ त्रिजटा। आदेश लंकेश। शूर्पणखा को अशोक वाटिका में प्रवेश ना दिया जाए, ये मेरा आदेश है। यदि आदेश का पालन न किया तो वध कर देना इसका, वध कर देना इसका। चलो छोड़ो भ्राता, भ्राता छोड़ दो। राम तुम्हें अवश्य मिलेगा, परंतु यदि तुमने अशोक वाटिका में पग भरने की चेष्टा भी की ना, तो मैं तुझे पदविहीन कर दूंगा। सीता मेरे और राम के बीच बाधा बनकर खड़ी है, जब तक मैं इस बाधा को हटा नहीं देती राम मेरा नहीं हो सकता। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। छोड़ दीजिए भ्राता जी, सीता का वध किए बिना राम मेरा नहीं हो सकता। चुप रहो, चुप। शूर्पणखा, अब तुम अपने ही कक्ष में बंदी बनकर रहोगी, और यदि तुमने अशोक वाटिका की ओर आंख उठाकर भी देखा तो मैं तुम्हारी आंखें निकाल लूंगा। और तुम भली भांति जानती हो कि जो मैं कहता हूं वही करता हूं, क्योंकि मैं रावण हूं, लंकापति रावण। प्रहरियो। आज्ञा महाराज। शूर्पणखा इस कक्ष से बाहर ना जाने पाए, यदि ये इस कक्ष से बाहर गई तो मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। बाल, तू हंस क्यों रहा है? हंस इसलिए रहा हूं कि रावण जैसे महान विद्वान की भी जब मति भ्रष्ट होती है तो हरण और वरण का अंतर भुला बैठता है। क्या पक रहा है तू? सत्य कह रहा हूं लंकेश, तुमने सीता का हरण करके वास्तव में अपनी मृत्यु का वरण किया है। काल, तुम्हारा मस्तिष्क फिर गया है। मृत्यु तो तू है और तू मेरा बंदी है। मैंने सदा के लिए तुझे अपने सिरहाने बांध कर तुझे अपना बंदी बना लिया। मूर्ख, मृत्यु दिन रात अपने सिर पे खड़ी पाता है और समझता है कि तूने उसे बंदी बना ली। क्या कहा तूने? क्या कहा? रुक जाइए लंकेश। ये क्या कर रहे हैं आप? मैं इस दुष्ट को इसकी दुष्टता का दंड दे रहा हूं। ये मेरा महान रावण का परिहास उड़ाने का साहस कर रहा था महारानी। ये कह रहा था कि मैंने सीता का हरण करके अपने मृत्यु का वरण किया है। असहाय बंदी पर हाथ उठाना आप जैसे महावीर को शोभा नहीं देता लंकेश। कह सकते नहीं कि आपने सीता का हरण करके अपनी महानता पर एक धब्बा लगा लिया है? महारानी, मुझे सदैव आप पर गर्व रहा। आपने विद्या प्राप्त करनी चाही, श्रेष्ठ विद्वान बन गए। आपने वीरता दिखानी चाही, संसार के बड़े से बड़े विद्वानों को आपने पराजित किया। मुझे विश्वास था सूर्य अपना ताप, पर्वत अपनी ऊंचाई,
समुद्र अपनी विशालता छोड़ सकता है, किंतु मेरे लंकेश अपना तेज, अपनी प्रतिभा, अपनी गरिमा कभी नहीं छोड़ सकते। परंतु एक अबला का अपहरण, नहीं, यह आपने अच्छा नहीं किया लंकेश। महारानी, मैंने जो किया उचित किया। जिस राम ने मेरे तीनों अनुजों का वध किया, जिस राम के कारण मेरी प्रिय बहन शूर्पणखा की नाक कट गई, जिस राम ने लंकापति रावण को सोचने पर विवश कर दिया, उस राम को नीचा दिखाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं महारानी, कुछ भी, क्योंकि मैं रावण हूं, लंकापति रावण। मेरी ओर देखिए लंकेश, मेरी आंखों में देखकर बताइए, क्या सचमुच सीता का हरण राम को नीचा दिखाने के लिए किया? क्या आप राम को इसलिए पराजित करना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने आपके अनुजों का वध किया, जिसकी वजह से शूर्पणखा अपनी नाक से वंचित हो गई, या इसलिए कि राम ने जनक नंदिनी सीता के स्वयंवर में आपको नीचा दिखाया? सत्य कहिए लंकेश, आप राम को पराजित करना चाहते हैं या सीता को जीतना? समझ गया, मैं सब कुछ समझ गया महारानी। ईर्ष्या अपना कार्य कर रही है और ईर्ष्या स्त्री जाति का विशेष गुण होता है। यह आप नहीं बोल रही महारानी, यह आपके भीतर छिपा हुआ वो भय बोल रहा है कि कहीं सीता आपका स्थान न ले ले। परंतु महारानी, आप निश्चिंत रहिए, आपका स्थान सुरक्षित था और सदैव सुरक्षित रहेगा। मुझे अपना पद छिन जाने का कोई भय नहीं लंकेश, मुझे भय है तो केवल ब्रह्मा के वरदान का, उनकी भविष्यवाणी का कि कहीं। महारानी मंदोदरी, अब मुझे क्रोध दिला रही है, मुझे ब्रह्मा का वरदान तुच्छ लगता है। सच पूछिए तो मुझे स्वयं ब्रह्मा तुच्छ लगता है, क्योंकि मैं रावण हूं, रावण। मैंने सीता का हरण इसलिए किया कि राम उसके लिए यहां आए मेरे पास और मेरे पैरों में गिरकर मुझसे अपनी पत्नी के लिए भीख मांगे, या फिर वो रावण से टक्कर ले और यदि उसने मुझसे भीख मांगी महारानी, तो आप देख लेंगी क्या आपका रावण कितना दयावान है। परंतु यदि उसने मुझसे टक्कर ली तो आपको यह ज्ञात हो जाएगा कि आपका रावण कितना बलशाली है। सुनिए लंकेश,